नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। सायों का खेड़ा में मासूम बच्चों की हत्या का राज फाश। राजसमंद पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, काकी ने ही किया था दोनों ही जुड़वा बच्चों की हत्या। पुलिस ने काकी को किया गिरफ्तार। रहस्यमयी तरीके से घर से लापता होने के तीसरे दिन मासूम दो जुड़वा बच्चों के कुएं में शव मिलने के मामले में राजसमंद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसकी काकी को गिरफ्तार कर लिया है। परिवार की संपूर्ण पैतृक संपत्ति हड़पने के लालच में काकी ने ही दोनों ही जुड़वा भतीजों की हत्या कर दी। आरोपी चाची के खुद के दो बेटे हैं। बताया कि शहद खिलाने के बहाने काकी दोनों मासूम भतीजों को कुएं के पास ले गई, जहां उन्हें धक्का देकर कुएं में गिराकर हत्या कर दी। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि सायों का खेड़ा के वागा की वेर में बालू सिंह खरवड़ राजपूत के दो जुड़वा बच्चे तमर व भूपेंद्र की हत्या के मामले में वागा की वेर निवासी अणची देवी पत्नी हीर सिंह खरवड़ को गिरफ्तार किया है। बताया कि पुलिस ने पूछताछ में महिला हत्या करना कबूल किया है। हत्या में परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका भी संदिग्ध है, जिसको लेकर पुलिस द्वारा गहन पूछताछ व तहकीकात की जा रही है। हत्या के बाद पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ कर दी, जिसमें प्रथम दृष्टया यह तथ्य सामने आया कि जुड़वा बच्चों की मां चांदनी बाई व उसकी देवरानी अणची देवी अक्सर आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी और इसी वजह से उनके आपस में लंबे समय से टकराव की स्थिति भी थी और देवरानी जेठानी के अलावा उनकी सास के बीच भी अनबन थी और इस अनबन को इसी मुद्दे को पुलिस ने गहनता से देखते हुए सभी लोगों से पूछताछ की तो अणची देवी की हालत संदिग्ध दिखी और अणची देवी से पुलिस ने पूछताछ की तो एक बार की अणची देवी आनाकानी करने लगी और कोई ठोस व स्पष्ट जवाब नहीं दिया। फिर पुलिस ने उसे थाने ले गई और थाने ले जाकर सख्ती से पूछताछ की तो महिला ने हत्या करना कबूल कर लिया। आपको बता दें कि सायों का खेड़ा के वागा की वेर में बालू सिंह खरवड़ राजपूत के दो जुड़वा बच्चे 7 वर्षीय तंवर व भूपेंद्र 2 सितंबर को लापता हो गए और उसी दिन गुमशुदगी का प्रकरण खमनौर थाना पुलिस ने दर्ज कर लिया। दूसरे दिन 4 सितंबर को डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस ने तलाश शुरू की तो गांव में उसके घर से 1 किलोमीटर दूर खेत के पास एक कुएं में दोनों ही बच्चों के शव मिल गए। घटना के बाद खमनौर अस्पताल ले गए और जहां मेडिकल बोर्ड से दोनों ही बच्चों का पोस्टमार्टम भी करवा दिया, मगर ग्रामीण इस बात पर अड़ गए कि हत्या के आरोपियों की त्वरित गति से गिरफ्तारी की जाए, उसके बाद ही वे शव घर ले जाएंगे। इसको लेकर काफ़ी गहमागहमी के हालात हो गए। सभी ग्रामीण खमनौर थाने के बाहर एकत्रित हो गए, जहां क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी पहुंचे और पुलिस अधिकारियों ने काफ़ी समझाइश की, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। आखिर में दोपहर बाद विधानसभा अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीपी जोशी ने समझाइश की और उन्हें आश्वस्त किया कि अगले 5 दिन के अंदर हत्या के आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। और दूसरी तरफ इधर जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने एएसपी शिवलाल बेरवा, नाथद्वारा डीएसपी जितेंद्र आंचलिया, खमनौर थाना प्रभारी नवल किशोर, कुंवरिया थाना प्रभारी पेशावर खां, उप निरीक्षक संग्राम सिंह के नेतृत्व में 4 टीमों का गठन किया गया। चारों टीमों ने परिजनों व आस पड़ोस के लोगों के साथ ही ग्रामीणों से भी गहन पूछताछ की और हर एक पहलू से तहकीकात शुरू की। इससे चारों टीमों की जांच में जो तथ्य सामने आए उसी आधार पर सभी की अणची देवी पर शक की सुई गई और पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने हत्या करना कबूल कर लिया। पुलिस की इस जांच टीम में साइबर एएसआई पवन सिंह, एएसआई खमनौर के नंदलाल, हेड कांस्टेबल हरि सिंह, हीरा राम, संदीप कुमार, हमीर सिंह, निर्मल, इंद्रचंद चोयल, मोहित कुमार, दिनेश सिंह, पार्वती, रेखा रानी व सरोज आदि शामिल हैं। ये 2/9/2021 को बच्चों के गायब होने के संबंध में FIR थाने पर दर्ज हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए उदयपुर मुख्यालय से डॉग स्क्वाड बुलाया गया। जब बच्चों की लाश हमें मिली, एडिशनल SP के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें साइबर इंचार्ज SHO खमनौर और उसके अलावा जो CO हैं उनको विशेष रूप से घटनास्थल पर भेजा गया और सभी तथ्यों के बारे में गहनता से अनुसंधान किया गया। जो भी संदिग्ध लोग थे सबसे गहनता से पूछताछ की गई, संदिग्धों की CDR को चेक किया गया। समस्त अनुसंधान से जो बच्चों की मृतक बच्चों की चाची है अणची बाई, वो वही मेन अक्यूज्ड है
उसने दोनों बच्चों को कुएं में धक्का दिया है और प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित मानते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया और अनुसंधान जारी। क्या कहा था अंशी भाई ने, क्यों क्या अपने साले का अंशी था? भाई का अपनी जेठानी से और सास से लगातार झगड़ा था और उसी रंजिशवश उसने ये घटना कारित की। लगातार ये सामने आ रहा था कि जो इसके चाचा चाची थे ये अपने अपने धरने में सभी चीज़ों में इसके साथ में, तो क्या वो पुलिस को घुमरा करने की कोशिश की उनकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो भी कानून व्यवस्था की स्थिति थी वो कंट्रोल में थी और ग्रामीणों की जो मांग थी वो उनकी विशेष मांग यही थी कि 5 दिन में इस प्रकरण का खुलासा किया जाए और वो एक ही दिन में प्रकरण का खुलासा कर दिया गया। इसमें आरोपी चाची के अलावा कोई उस समय सिर्फ चाची थी? अभी तक के अनुसंधान से चाची की ही संलिप्तता पाई गई है क्योंकि बच्चे जुड़वा थे और केवल 7 वर्ष के थे, इसलिए अभी चाची का ही रोल आया। अगर और भी किसी व्यक्ति का रोल मर्डर में आएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और कोई पैसों का लेन देन या कुछ अदर संबंधों की ऐसी कोई बात भी सामने पे अभी होना प्रथम चाहिए? दृष्टया तो यही बात सामने ही है, इसके अलावा भी अगर और कोई चीज़ होगी अनुसंधान में सामने आएगी। इसमें विशेष रूप से जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उनका योगदान रहा है, उनको हम सूटेबल रिवार्ड भी देंगे और अगर उचित लगा तो हम प्रमोशन के लिए भी रिकमेंड करेंगे।